नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में किए कई कार्यों की जानकारी दी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस बार हमारा जो हमारी आईटीआई पिछली बार सुखद थी, उन आईटीआई को भी हमने 15 आईटीआई इस समय हमारी उद्घाटन के लिए शुभारंभ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो हमने तैयार की हैं, तैयार हैं बिल्कुल। और मुख्यमंत्री से कोई भी समय लेकर के उनका शुभारंभ करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारी आईटीआई और मॉडर्नाइज हों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, तो हमारा टाटा के साथ एक एमओयू साइन होने वाला है। तैयारी हो गई है, सब बातचीत हो गई है और टाटा की तरह एमओयू होगा 4,000 करोड़ रुपया टाटा आईटीआई को डेवलप करने के लिए। 50 आईटीआई भी हम फर्स्ट ईयर में ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, 303 सरकारी आईटीआई हैं। 50 आईटीआई को फर्स्ट ईयर में हमने लिया है। 4,000 करोड़ रुपये टाटा हमारे साथ लगा रहा है और लगाएगा, तो हमारा फिर आईटीआई के अंदर क्या मॉडिफिकेशन उनका, नई मशीन। 2 वर्ष के कोर्स में अभी तक आईटीआई के अंदर 2 वर्ष का कोर्स होता था, तो 2 वर्ष के कोर्स को हमने किया कि 1 वर्ष का कोर्स आईटीआई के अंदर करें और 1 वर्ष का कोर्स वो किसी इंडस्ट्री में जाकर उसकी ट्रेनिंग ले। तो यानी एक तरह की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और चूंकि इंडस्ट्री के अंदर नई तकनीकी मशीन होती है, लेटेस्ट मशीन होती है, नए वर्जन के साथ होती है, कंप्यूटराइज मशीन होती है, तो उसको उन पर काम करने का मौका मिलता है। और काफ़ी सारे बच्चों को वो कंपनियाँ अपने यहाँ सेवा कर लेती हैं और नहीं भी करती हैं तो उनको फिर बाद में आकर कहीं और काम करने का मौका मिलता है। तो रेल सिस्टम के अंदर भी बड़ा काम विभाग के द्वारा लगातार देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं कानपुर में भी ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। लाखों लोगों ने एक साथ बकरी ईद की नमाज पढ़ी। नमाजियों के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। 3 जून की हिंसा के बाद शहर में तनाव था, जिसके कारण प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लखीमपुर में अलग अलग मस्जिदों ईदगाहों पर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क के अमन चैन की दुआ की गई, जिसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू हुआ। देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस दौरान मस्जिदों के पास पुलिस की तैनाती दिखाई दी। त्यौहार को लेकर प्रशासन और धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर चुका है। देखिए, इस अवसर पर मैं सबसे पहले सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा और सभी लोगों के सहयोग से, हमारे सिविल डिफेंस के लोगों के सहयोग से, पुलिस, युवा मित्र और अन्य जो शहर के लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनके सहयोग से सकुशल संपन्न हुई है। पूरे कमिश्नरेट में सभी जगह सकुशल संपन्न हुई है और बड़े ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई है। और बकरीद के अवसर पर मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं समस्त शहरवासियों को बकरीद की मुबारकबाद देता हूं और आज पूरे पर्व को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए हमारे पूरे टीम मजिस्ट्रेट्स के भी और पुलिस अधिकारियों के भी, सिविल डिफेंस के भी, नगर निगम के भी पूरे टीम यहां पे मौके पे मौजूद है और मैं उम्मीद कर शाजापुर में आज बकरीद की नमाज ईदगाह में सकुशल अदा की गई। वहीं बकरीद पर्व के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ एसपी एस आनंद ने भ्रमण कर जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं इस दौरान सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने शहर इमाम को गले मिलकर और आमजन को ईद की दिली मुबारकबाद दी। त्यौहार है और हम सब लोग यहाँ बड़ी ईदगाह में नमाज पढ़ने आए हैं, नमाज अदा करने आए हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंप है, इसमें हम लोग यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे महासचिव राणा सिंह यादव और तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस नफ़रत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी नफ़रत की दीवारों को गिराकर हम सब लोगों को मिलकर मोहब्बत की दीवार खड़ी करना है और मोहब्बत का पैगाम घर घर तक पहुंचाकर इसी तरह से त्यौहार मनाकर भाईचारे मोहब्बत का पैगाम, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का फरमान है, समाजवादी पार्टी का फरमान है, उस पैगाम को हमें घर घर तक पहुंचाना है। हम एक हैं, एक आज जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है, कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं है।
अभी सेक्टर स्कीम भी लागू है, तमाम जगह पर हमारी जो गश्त चलती रहेगी, पेट्रोलिंग चलती रहेगी। बहुत अच्छी तरीके से अभी तक सारी चीज़ें हुई और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत भाईचारे के साथ और अमन सुकून के साथ ये त्यौहार मनाया जाए। सबको इस आपके चैनल के माध्यम से ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक सबको सुकून दे, यहाँ तरक्की दे, खुशहाली दे और जो भाईचारा बना हुआ है यहाँ का और बेहतर हो, सभी जगहों पर अमन चैन रहे और हमारा देश तरक्की करे। ये हमारी शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। शहर में ईदगाह, जामा मस्जिद और अन्य स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से एसपी, डीएम और पुलिस प्रशासन के लोग रूट मार्च कर स्थिति का जायजा लेते रहे, तो वहीं सभी से आपसी सौहार्द के साथ ईद मनाने की अपील की गई। एसपी पश्चिम, एसडीएम सवाईजपुर और सीओ हरपालपुर ने सभी को ईद उल अजहा की बधाई दी और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की। पूरे देश में आज बकरी ईद की धूम है। वहीं बकरी ईद के त्यौहार पर नमाज के बाद कब्रिस्तान में ताले लगे मिलने पर नमाजियों ने हंगामा काट दिया और मौके पर ईंट से ताले तोड़े हैं, जहां नमाजियों द्वारा कब्रिस्तान में गेट में लगे ताले तोड़े जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ पुलिस मुस्लिम विश्वविद्यालय का है। खबर औरैया से है, जहां पर दिव्यापुर से लौट रही एक युवती का मोबाइल ऑटो में छूट गया, जिसकी जानकारी युवती ने यातायात की ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक और सिपाही को दी। उनकी ओर से ऑटो का पता किया गया और उसे फोन करके बुलाया गया। इस पर ऑटो चालक ने खोजबीन करते हुए युवती का मोबाइल उसे वापस लौटा दिया। युवती ने यातायात कर्मियों की सराहना की। कहाँ से कहाँ ले जा रही सवारी आप? हम खानपुर चौराहे से दिया बोला। फिर आपको कैसे जानकारी इसमें मोबाइल है गाड़ी? ये अभी टीआई साहब का फ़ोन आया था हमारे पास में, सर का नाम तो एक्चुअली मेरे को नहीं पता है, तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि यही आया, तो उनका फ़ोन आया तो सर उन्होंने कहा कि सवारियों को चेक कर लो, अपनी गाड़ी चेक कर लो, तो कोशिश करो मुझे कल तक फ़ोन चाहिए। फिर मैंने वो कोशिश की तो मुझे फ़ोन मिल गया। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मतलब किसी का फ़ोन मिल गया, क्या कहना? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जिसका फ़ोन मिल गया उनके लिए भी अच्छा ही है और हम यही चाहेंगे सर। मैं जब दिव्या पुलिस स्टेशन से आ रही थी तो वहाँ पे जालौन चौराहे पे मेरा मोबाइल रह गया। फिर मैंने भैया को कॉल किया लेकिन वो फिर मोबाइल किसी ने उठा लिया होगा, स्विच ऑफ हो गया। कौन जो ऑटो चलाते थे? अच्छा। फिर सर से मेरी मुलाकात हुई। कौन सर है? के पांडे सर से। किस विभाग में? ट्रैफिक, यही हम विभाग में थे। हाँ। बोल जो रहते हाँ। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई, उन्होंने बहुत कोशिश की इसलिए मेरा मोबाइल मिल गया। तो आप पुलिस को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके ट्रैफिक रूल कानून? मतलब मुझे मैं ये कहना चाहूँ कोई भी ऑटो किसी बुक करे तो ऑटो वाले का बिजनौर में शहद बेचने के बहाने घरों को चिन्हित कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए चोरों के पास से 1.5 लाख रुपए और आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने 32,000 की नकदी और अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर चोरी की घटना का खुलासा किया। शातिर चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ग्राम दौलतपुर थाना मंडावर के दो घरों में चोरी की वारदात हुई, जिसके खुलासे के लिए थाना मंडावर पुलिस स्वाट सर्विलांस वालों को सबको लगाया गया था। कल रात्रि में नाईवाला तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान दो लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से अवैध तमंचा मिला। पूछताछ करने पर उन्होंने इन दोनों घरों में चोरी करना स्वीकार किया। इनके निशादेही पर लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवरात और 32,000 रुपए नकद बरामद हुआ। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर
बदायूं की कोतवाली बिसौली नगर में बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फिर दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ और पथराव किया, जिसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले ईद के त्योहार को देखते हुए व्यवस्था सुरक्षा के लिए SDM ज्योति शर्मा, CO ओजस्वी चावला के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने मामले को शांत कराया और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के मोहल्ला सराय में कल रात्रि लगभग 9:30 बजे के आसपास ग्राहक की मोटरसाइकिल को खड़ा करने के लेकर के दो दुकानदारों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें से एक दुकानदार जिसका नाम अली है वो शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा जो दुकानदार है वो पप्पू है जो सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। इन दोनों के बीच में मात्र ग्राहक की मोटरसाइकिल को खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कि पप्पू की तरफ के लोगों ने अली की तरफ कुछ पथराव किया और मारपीट की, जिसकी वजह से अली के साथ के 5 व्यक्तियों को चोटें आईं जिनका मेडिकल करा दिया गया है, मामूली चोटें हैं उनमें और इसमें अली की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार का शिया और सुन्नी का विवाद ना होकर के केवल एक व्यक्तिगत दुकानदारी को लेकर के प्रतिद्वंद्विता के चलते ही विवाद हुआ है, जिसमें पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है। खबर फरीदाबाद से है, जहां नशा तस्करी करने के आरोप में नीमका जेल में बंद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो वहीं फरीदाबाद के अस्पताल में मृतक साहिल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मृतक की मां और अन्य परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस हालांकि अभी इस मामले पर कुछ कहने से बच रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। मेरा नाम मेहमत, पता नहीं मेरे को कोई नहीं बताई, न जेल में अंदर है न कुछ नहीं खबरें बताई मेरे को। जेल में था आपका लड़का? हाँ जी। किस मामले में अंदर था वो? वो कुछ मामले में नहीं है, वो पार्क में बाइक लेके आये और दोस्त ने ऐसे आपस में उठवा दिया और ऐसे हुए, वो कुछ ना पता ही। मैं तो जॉब ड्यूटी करने जाती हूँ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, वो पे कुछ ना है मेरा, मैं गरीब हूँ, मैं ड्यूटी पे चली गई काम करने कंपनी ने। वैसे ही कब पता चला था कि बच्चे साथ ऐसा हुआ? हमें जेल से नहीं पता चला। बात क्या, हमको तो कुछ भी नहीं पता। हम पिछले शनिवार को उसका फोन आया था और फोन आने के बाद हम बोले बेटा कैसा है, बोला पापा मैं तो सही हूँ, मेरे पैसे भिजवा देना। हमने ठीक है, मैंने बेटा कितना, बोला 1000 रुपये। हमने 1000 रुपये उसको पहुँचवाया उसके लिए और बोला पापा ऐसा है मेरे थोड़ा बुखार है, दवाई गोली ले आना। मैंने बेटा चलो ठीक है, वो कह रहा कि ऐसे करना बिल बनवा के लाना। मैंने कि बिल कैसे बनता है मेरे को तो कुछ पता नहीं है। आज जेल से, नीम के जेल से उसका एक संघ का दोस्त है, उसका नाम तो मेरे को नहीं पता, उसका फ़ोन आया और वो बोला कि साहिल की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप ऐसे करो नीम के जेल आ जाओ। हम तुरंत ही नीम के जेल पहुँचे। नीम के जेल जाने के बाद पुलिस वाले से मिले तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा उसको तो BK हॉस्पिटल ले जाया गया, आप वहाँ जाके मिल लो। हम यहाँ आके मिलते हैं तो देखते हैं, तुरंत ही हमसे बोलते हैं पुलिस वाले कि उसकी तो डेथ हो गई। खबर हरदोई से है, जहां पाली थाना क्षेत्र में घरेलू कलह से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो वहीं मृतक की मां ने अपनी बहू पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। लड़के चली गई, कौन आई थी? परवा समी आई, समी आओ, और लड़के चली गई, और लड़की का मोबाइल छीन ली गई, सास नीच गई, और फिर अपने चली गई, और फिर वहाँ लड़का पर फोन वो कहीं मई पठाई दे, कल दाढ़ी बनवाई आओ, और कपड़ा पीछा दाओ दो कपड़ा पहन दे, अब चलो कान लगी फोन करो, कहीं मारी पठाई दे, उनने कही मनाई पठाई वो तुम्हारी आज, और कही भाई नाई पठाई वो, और पठौती तो जाका ए लड़का लटकी रहा तो मारो, और परवाह ने फोन करो तुम्हारो लड़का हुआ लटको डा। बहू चली गई इसलिए लड़के ने फांसी लगाई? हाँ बहू चली।
कानपुर में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पति आपत्तिजनक हालत में सिपाही को उसकी पत्नी ने प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। इसके बाद पत्नी ने आरोपी पति की जमकर पिटाई की, साथ ही आरोपी पति पर कार्रवाई के लिए पत्नी ने एडिशनल SP से शिकायत की है। शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। बता दें कि आरोपी सिपाही राजीव यादव नौबस्ता थाने में तैनात है। शिकायत ये करने आए थे कि मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, सिपाही के पद पे कार्यरत हैं नौबस्ता थाने में, जिन्होंने अब शादी कर रखी है, लखनऊ में उसको रखते हुए हैं और उससे एक बच्चा भी है 2.5 साल का। मुझे तक अभी तक पता नहीं था, अब मुझे पता चला तो मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा भी है, जिससे मेरे पास उनका वीडियो भी है। अयाज टाइप का सिपाही है और एक फर्जी ID SI के पद पर बनवाए हुए हैं, जिससे वो लूट मार बहुत करता है और हमको बहुत परेशान कर रहा है, धमका रहा है कि मैं तुझे मरवा दूंगा। आवेदिका श्रीमती विजय राजीव यादव, पत्नी श्री राजीव यादव, निवासिनी मकान नंबर 22A मछरिया रोड, थाना नौबस्ता ने DCP दक्षिणी महोदय के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि थाना नौबस्ता में तैनात हेड कांस्टेबल राजीव यादव ने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की हुई है। उनके इस प्रार्थना पत्र पर जांच ACP गोविंद नगर को आवंटित की गई है। जांच रिपोर्ट के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में पलवल पुलिस ने अवैध हथियार बरामदगी की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य सप्लायरों का भंडाफोड़ किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके 35 पिस्टल और 6 देसी कट्टा सहित 41 अवैध हथियार बरामद किए हैं, साथ ही 11 मैगजीन भी अलग से बरामद की गई है। मॉडल की टीम ने एक बहुत ही बड़ा जखीरा इलिसिट आर्म्स का जो आपके सामने है बरामद किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पे हमारे इंस्पेक्टर जगदीश सिंह के नेतृत्व में इनकी टीम ने हमारे CIA मॉडल के सामने ही नाकाबंदी करके बरामद किया है, जिसमें 2 शख्स इसमें हमने राउंड अप किए हैं, जिसमें किलोर सिंह और जाम सिंह जो शाहपुरा के निवासी हैं, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, दोनों को असला सहित काबू किया है। रिकवरी हरियाणा में है तो ऐसे पहले हुआ कभी? देखिए, हम पलवल की तो कह सकते हैं, हमारे ज़िले की अब तक की हिस्ट्री में जब से ज़िला बना इतनी बड़ी रिकवरी नहीं हो पाई है, क्योंकि 13 वेपन जो रिकवर किए थे वो हमारी CIA की टीम ने ही किए थे और अब इसमें 41 वेपन जो हैं हमारे वो उसमें ये हमारी CIA ने बरामद की। तो सर क्या हरियाणा में सबसे बड़ी रिकवरी मानते हैं? देखो, अब तक खबर संभल से है, जहां हयात नगर थाना क्षेत्र के मलिक मऊ भूड़ गांव में हाई टेंशन लाइन विद्युत पोल में उतरे करंट उतरने से चपेट में आने से पशु की मौत हो गई। ग्रामीण की घटना की सूचना विद्युत विभाग को दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को आश्वासन दिया और घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आए और सब कम से कम 10 गांवों में सबसे गरीब औरत है, इसके छोटे छोटे बहुत बच्चे हैं, जिसमें कि इसका गुजारे का और कोई सहारा ही नहीं है, सिर्फ इनके ही ऊपर निर्भर है ये बेचारी। लेकिन आज इसके बिजली विभाग के लापरवाही के वजह से इसके स्टेट जो जमीन में जो स्टेट होता है उस स्टेट में बिजली विभाग ने तार बांध दी है और जिस गर्म तारों में तार बांध दी है उसके वजह से इसकी भैंस की मौत हो गई। और लेकिन ये तमाम अजूम लग रहा है, 3 गांव इकट्ठे हैं, लेकिन बिजली विभाग से और थाना से भी सारी हुकूमत से भी सबसे ही कहना मेरा कि इस गरीब की ज़्यादा से ज़्यादा खबर चलाई जाए और मेरा आपका जो चैनल है जो चला रहे हैं वो सभी चैनलों को सेल करें और बाकी जो क्या चाहते हो? अरे, इसे बेचारी का कोई की मौत हुई तो 2 साल का था, लेकिन महल्ले वालों ने और बाकी सही लोगों ने मदद करके ये छोटे छोटे प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।